अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए सबसे सेफ बुढ़ापा क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये अभी के लिए कि अगर आपकी जो 40-45 पर ही भर्ती होती है तो क्या होगा। दोस्तों, ये आपके लिए इस पर भी आपको पूरी तरीके से श्योर होना चाहिए। अगर दोस्तों कल अगर ये फैसला आता है कि 40-45 पर ही भर्ती होगी तो क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, 60-65 वो तो डबल बेंच में होगा कि जीतेगी या हारेगी, क्या होगा सबसे सेफ गुणांक, दोस्तों ये भी आपको समझने वाली बात होगी। और अगर आपके इतने गुणांक है तो नौकरी पक्की समझिए। तो दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे, आपके कितने गुणांक है तो आपको नौकरी पक्की समझनी चाहिए। एक चीज और दोस्तों देखना है कि दोस्तों हमें अभी वर्तमान में जीना चाहिए। आगे भले ही 60-65 जीते लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए 40-45 के लिए भी। दोस्तों देखिए, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके लिए हमने आज उठाए। जो बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर 40-45 पर ही भर्ती होती है तो कितने गुणांक पर हम अपनी नौकरी को पक्की समझे। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरी तरीके से अपनी नौकरी पक्की समझनी है तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और समझिए दोस्तों एक एक पॉइंट को क्या हम आपसे कहना चाहते हैं। पहली बात दोस्तों, आपके लिए एक पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास जो पेपर में शिक्षा मित्र थे उनकी संख्या कितनी है। दोस्तों अगर उनकी संख्या एक अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या 40,000 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40,000। दोस्तों अगर उनकी संख्या 40,000 है तो उसमें से कितने शिक्षा मित्र पास होंगे, ये अगला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न होगा कितने शिक्षा मित्र पास हैं। अगर हम मान लेते हैं एक आइडिया मुताबिक, चलिए हम मानते पूरे शिक्षा मित्र पास है, 100 के 100% शिक्षा मित्र पास हो चुके हैं इस पेपर को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अब जो दूसरे नंबर बच्चे पास हुए वो बीएड के हैं या बीटीसी के। देखिए, दूसरे नंबर के जो बच्चे पास हुए हैं वो बीटीसी से आ रहे हैं या बीएड के हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कटाप का आपका क्या लेना देना है। देखिए, इसी से कटाप का सबसे अहम लेना देना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर मानते हैं आपके पास सिर्फ 29,000 सीट्स बचती है, शिक्षा मित्रों को हटाने के बाद की बात हो रही है दोस्तों, अगर आपके पास 29,000 सीट्स हैं तो ये 29,000 सीट्स की जो कटाप बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, वो कैसे बनेगी वो जानिए। देखिए, इसमें बीएड के बच्चे जो होते हैं वो सबसे अधिक थे आपके बीटीसी से, लाख गुनाए नहीं हजारों गुना तो ज़्यादा थे दोस्तों। बीटीसी के बच्चे ज़्यादा नहीं रहे होंगे इस पेपर में, बहुत ज़्यादा रहे होंगे तो 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा बच्चे नहीं थे बीटीसी के। और जो बच्चे दोस्तों बच रहे हैं सब बीएड के थे, लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चे। तो दोस्तों अगर हम मानते कि बीएड के 2.5 लाख बच्चे में से अगर बीएड के 2 लाख बच्चे भी पास होते हैं, चलिए हम मानते हैं बीएड के 2 लाख बच्चे पास हो गए और 40-45 में तो उम्मीद है दोस्तों सभी बच्चे पास हो गए होंगे, अगर 2 लाख बच्चे ये पास होते हैं तो इनका गुणांक क्या बनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीटीसी के बच्चे तो कम ही होंगे दोस्तों क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो 70,000 में कितने पास हुए होंगे दोस्तों वो हम देखेंगे बाद में, पहले इनका देखते हैं बीएड के बच्चों का। अगर बीएड के बच्चों ने 100 अंक प्राप्त किए सुपर टेट में, पहले ये समझिए 100 अंक प्राप्त किए तो 100 अंक का जो आपके 60% के हिसाब से अगर हम गुणांक निकालेंगे 100 का 60% तो हमारा आएगा 40 अंक। ठीक है, 40 अंक। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, बीएड के बच्चों का जो एकेडमिक बनेगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं हम सही है या गलत, जो आपके जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से बता रहे हैं कि बीएड के बच्चों ने एक बताया था सर हमारे 70 नंबर है हाई स्कूल में, इंटर में भी 70 के करीब था दोस्तों तो हम 70 ही लेते हैं, और ग्रेजुएशन में उनका 60 नंबर था, 60% था, और उनका बीएड में भी 60%। तो इसका निकालते हैं कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 7 नंबर आ जाएगा, यहाँ से भी 7 आएगा, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से भी 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, जोड़ लेते हैं 7 7 14 6 20 6 26 26 ही आ गया दोस्तों। इसको आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं 6 और 4 तो 6। तो दोस्तों जो बीएड के बच्चों का औसतन अंक निकलेगा वो 66 अंक होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बीएड के बच्चे पास होंगे उनकी जो संख्या होगी, जो सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या होगी वो 66 ही होगी, और जो मिडिल पॉइंट आएगा वो दोस्तों वो 66 आएगा, जो मिनिमम हो सकता है वो 66-60 तक हो सकता है दोस्तों, मतलब इनके बच्चे जो फाइट करेंगे 60 से 70 के बीच में रहेंगे। जो बीएड के बच्चे रहेंगे उनकी बात कर रहे हैं, वो शिक्षा मित्र नहीं है, तो बीएड के जो बच्चों का मिडिल अंक आएगा, जो बीच का आएगा, जो औसत आएगा जिसको एवरेज कहेंगे, तो वो 66 अंक होगा। तो जितने बच्चों के 66 अंक आएंगे, हो सकता है दोस्तों 66 अंक पाने वालों की संख्या 20,000 हो, ठीक है 20,000 भी हो सकती है, या दोस्तों 66 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 40,000 हो। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि 66 अंक सिर्फ एक बच्चे के आ रहे होंगे, कितने ज़्यादा बच्चों के आएंगे ये हमें भी नहीं पता, लेकिन लेकिन जिन बच्चों की उम्र ज़्यादा होगी दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी,
अगर आपके 66 अंक 20,000 लड़कों के आगे हैं, तो जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले नौकरी उसको मिलेगी, उसके बाद नौकरी उसको मिलेगी दोस्तों, जिसकी एज उससे थोड़ा कम होगी, तो वैसा ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, यहाँ पर अगर एज भी सबके बराबर हो जाती, मान लेते आपकी उम्र और मेरी उम्र बिल्कुल समान हो गई, हम दोनों एक ही दिन एक ही समय एक ही डेट में पैदा हुए हैं और हमारी उम्र 30 साल है, आपकी भी 30 साल है, तो अब किसको फायदा होगा? अब उसको फायदा होगा दोस्तों जिसका नाम ए से शुरू होता होगा या बी से शुरू होता होगा। मान लेते एक लड़के का वी से शुरू होता जैसे, ठीक है, और एक लड़के का ए से, तो ए वालों को पहले नौकरी मिलेगी, वी वालों को बाद में। दोस्तों यह काफ़ी चीज़ मैटर करने वाली है इस नौकरी में। तो 60-65 दोस्तों आज तो नहीं होने वाला, बाद में होगा, तो इतनी याचिकाएं लगती जा रही है दोस्तों। तो आप लोग को पता है पर डे कोई ना कोई याची आ रहा है, कोई ना कोई बच्चा अपना केस ला रहा है, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं लोग, तो उससे क्या होगा दोस्तों वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अब स्टे मिलेगा कि नहीं ये भी महत्वपूर्ण होगा। 40-45 भर्ती, क्या अभी स्टे तो है नहीं दोस्तों, क्या अभी स्टे लगेगा दोस्तों? सुनवाई शुरू होगी तभी रुकेगी, जैसे कि आपके पहले स्टे लगा था शिक्षा मित्रों ने लगाया था, क्या फिर से स्टे में ये भर्ती फंसेगी? अभी इस पर सवाल है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपसे एक क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके इतने गुणांक तो नौकरी पक्की समझिए। इसको आंसर देने से पहले हम आपको कुछ और समझाना चाहेंगे। हम BTC का भी ले लेते हैं, अभी हमने BED का निकाला हो सकता है, अब BTC का भी निकालते हैं। अगर BTC ने भी एक 100 अंक लाए पेपर में सुपर टेट में, 100 का दोस्तों हम निकालेंगे 60%, और 60% दोस्तों जैसा कि हमने निकाला अभी 40 नंबर ही आएगा। कितना आएगा? 40 अंक। तो 40 अंक तो आ गया, और जो BTC का ऑन एवरेज नंबर बनता है ना, वो मान लेते उनके इंटर में हाई स्कूल में पहले 80% थे, इंटर में भी उन्होंने 80% लाया, ग्रेजुएशन में उन्होंने 70% लाया, और उन्होंने BTC में भी 80% अंक लाए, तो कितना बन गया दोस्तों? इसको देखते हैं, यहाँ से 8 नंबर लिया जाएगा, यहाँ से भी 8, यहाँ से 7 और यहाँ से 8, जोड़ देते दोस्तों 8, 8, 16, 16, 7, 23 होता, 23, 8, 31 होता दोस्तों, तो 31 नंबर BTC के यहाँ से बनेगा दोस्तों, और 40 यहाँ, 31 यहाँ, इसको जोड़ते हैं 1 और 4, 3, 7। तो दोस्तों जो बच्चों ने BTC कर रखा होगा तो उनका जो एवरेज अंक निकलेगा, औसतन अंक आएगा, वो 71 नंबर होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चों BTC के डाइट के होंगे, एक ही और ध्यान रखने वाली, ये डाइट के बच्चे हैं, ठीक है, ये प्राइवेट स्कूल वाले नहीं हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे ही दोस्तों आजकल होता है ना ले लेते हैं, तो ये बच्चे वो नहीं है दोस्तों, ये डाइट वाले जो सबसे अच्छी मेरिट के साथ होंगे उनकी बात हो रही है, और जो बच्चों की मेरिट कम होगी वो तो इस रेस में दिखेंगे भी नहीं दोस्तों। जैसे कि कुछ होते हैं दोस्तों आपके होते हैं मैनेजमेंट कॉलेज, कौन से कॉलेज होते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट, ये सिर्फ मैनेज कराते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके पास मेरिट का कोई वो नहीं होता। ये अगर कोई बच्चा 45% 50% भी लाता दोस्तों, तो ये उसको एडमिशन लेते हैं 50 50 50, हर जगह 50, और उनके BTC में भी दोस्तों ये नंबर तो अच्छे देते नहीं, तो वहाँ भी 60 बनता है, तो ये बच्चे दोस्तों बनता है 21 नंबर, ठीक है। तो अगर इनका एवरेज निकालेंगे दोस्तों तो 40 और 21 ही जुड़ेगा, तो ये BTC ऐसे बच्चे भी करते हैं। तो दोस्तों हम BTC में ऐसे बच्चों को फिलहाल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो 61 मेरिट के साथ होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर औसत अंक की बात बन रही, तो यहाँ जो BTC का एवरेज बनेगा 61 और 71 के बीच में बनेगा, क्योंकि दो तरह के बच्चों ने BTC कर रखी होगी, और एक 61 नंबर वाले होंगे, एक 71 नंबर वाले। तो अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं, 71 प्लस 61 को जोड़ देते हैं दोस्तों, और 2 से भाग करते हैं, कितना आएगा? 1 1 2, और होता दोस्तों 7 और 6 13, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों? 2 6 12 2 6 12। तो 66 अंक दोस्तों इनका भी एवरेज आ रहा है, और हमने आपको दिखाया था BED के बच्चों का भी एवरेज 66 अंक ही आ रहा है। तो दोस्तों BTC और BED दोनों बराबर होंगे, क्योंकि BTC में जो बच्चों की संख्या अच्छे नंबर वाले होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि डाइट उतने कॉलेजेस नहीं है, और ऐसा भी नहीं दोस्तों जो बच्चे डाइट से BTC किया हो वो सुपर टेट पास हो। तो BTC प्लस BED आज के दिन दोनों इक्वल होने वाले हैं, 66 अंक BTC और 66 अंक BED। तो दोस्तों अब बात होगी कितने अंक पर नौकरी पक्की समझे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जिनके 66 से अधिक नंबर है, अगर आपके 66 से अधिक है तो आप आसानी से नौकरी पा सकेंगे, ठीक है। सेफ जोन आपके लिए जो होगा दोस्तों वो 66 से ऊपर ही होगा, एबव होगा, चाहे आप जनरल से आते हो, OBC से हो, ST से हो, ST से हो, मतलब पूरी तरीके से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं 66 से अधिक अंकों पर। अगर आपके 66 से कम अंक है दोस्तों तो आपको थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक एवरेज डाटा निकाला है, ये एवरेज डाटा दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों का है, जिन्होंने बच्चों ने अपने नंबर मैसेज किए थे हमें और बताया था। देखिए दोस्तों आप लोग अच्छे नंबर
जिन बच्चों ने सुपर टेट में लाया होगा उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा इसको आसानी से नौकरी पाने के लिए। जो बच्चे 110, 120, 130 के रेंज में हैं सुपर टेट में, वो तो बहुत ही आसानी के साथ ये नौकरी लेके जाने वाले। और जिन बच्चों के नंबर 100 या 100 से कम आ रहा है, अगर वो शिक्षा मित्र हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, या उनकी मेरिट बहुत अच्छी है तो भी उनके लिए अच्छी बात है, और उनका फेवर कुछ नहीं कर रहा दोस्तों तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि देखिए 66 से अधिक जितने नंबर वाले बच्चे हैं वो अभी अपने आप को सेफ जोन में समझे, मतलब अभी वो लड़ाई में हैं और उन्हें नौकरी मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर ये 66 नंबर वाले जनरल में भी आते हैं, एससी वाले भी आते हैं, एसटी। देखिए एसटी की कट ऑफ कम जाएगी, उनकी देखिए बात अलग करते हैं। एससी की कट ऑफ भी दोस्तों 60 नंबर तक आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर एससी के बच्चे हैं तो 60 नंबर, एसटी के दोस्तों तो आप 55 नंबर तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है। ओबीसी के तो दोस्तों आपको कम से कम 66 अंक चाहिए होंगे, और जनरल के तो भी आपको दोस्तों कम से कम 66 अंक चाहिए ही होंगे। तो ये रहेगी दोस्तों आपकी एवरेज कट ऑफ। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आप अभी अपने आप को सुरक्षित समझिए 40-45 में भी। सिर्फ ये है दोस्तों इतने नंबर वाले बच्चे फाइट में, बात रही नौकरी की गारंटी की दोस्तों, उसके लिए आपको कम से कम 70 के अबव जाना होगा, क्योंकि आपको नौकरी पाना है ना कि आपको फाइट में रहना है। तो जो बच्चे नौकरी अपने आप को चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो सुरक्षित हो नौकरी के लिए, तो उनको कम से कम नंबर आपको चाहिए होंगे 70 अंक। और जो बच्चों को लगता है दोस्तों 60, लेकिन ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सत्य है कि एक बच्चा देखिएगा जरूर दोस्तों जब नौकरी लगेगी तो एक बच्चा एससी कैटेगरी से 60 में भी नौकरी पाएगा, एसटी से 55 में भी पाएगा, ओबीसी से 66 में भी पाएगा, और जनरल से भी 66 में पाएगा, भले वो 75 जिले के किसी न किसी जिले में वो नौकरी मिलेगी। वो जिला दोस्तों कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब हम देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और हम पूरी तरीके से दोस्तों तैयार हैं 40-45 में नौकरी लगे या 60-65 में तो हमें नौकरी मिलेगी। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए आप लोग।